हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं साबूदाना और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता व्रत के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लेना है। तो साथ में ये भीगा हुआ साबूदाना है, तो कम से कम भी चार आलू में हमें 100 ग्राम साबूदाना भिगो लेना है और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई रखी हुई है, तो बीच में इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इसका नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो टेस्ट के अनुसार डाल देंगे हम इसमें सेंधा नमक। तो अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हल्का सा खट्टा। और थोड़ी सी डालेंगे हम काली मिर्च पिसी हुई। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से छोटी छोटी हमने इस पर गोली बना लेनी है, जितनी बड़ी आप बना सकते हो। मैं बनाऊंगी इसको बिना तले हुए, बिना फ्राई करे हुए, तो बनाएंगे हम इसको आपे के सांचे में। तो आपे का सांचा मेरा थोड़ा सा गीला है, इसको मैंने सुखा लिया है और हल्का गर्म कर लिया। तो ज़रा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही, ये बिना तले हुए बन जाता है फ्रेंड्स। तो छोटी छोटी लोई हम ले लेंगे, जितना कि हमारा आपे का सांचा है उतने खांचे हैं। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा इसमें मटेरियल डाल देंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बिना फ्राई करे हुए बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही झटपट तैयार होता है गर्मा गर्म क्रिस्पी नाश्ता। तो बहुत ही हेल्दी होता है ये वाला नाश्ता। तो मैं सारे सांचों में ऐसे ही लगा दूंगी, और इसको जब भी हम पकाएंगे बिल्कुल सिम गैस पे पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो सारी टिक्कियाँ सी मैंने इसमें डाल दी है। तो हल्का सा हम इस पर डाल देंगे 2 बूंद ऑयल, तो ऊपर से भी हम हल्का हल्का लगा देंगे इस तरीके से, और चम्मच से हम बिल्कुल इस तरीके से सेट कर देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे। तो कम से कम भी हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर ढकेंगे। तो फिर अभी सिम गैस पे मैंने इसको रखा था, कम से कम भी इसको 5 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ये दूसरी तरफ से बहुत रेड हो गए हैं और क्रिस्पी। तो हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे इसको। मैंने ये सारे जो है नाश्ते को पलट लिया है। तो पलटने के बाद हम इसमें 2-2 बूंद ऑयल डाल देंगे। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको रेड करके क्रिस्पी करके सेक लेंगे। तो रेडी है हमारा बिल्कुल नाश्ता फ्रेंड्स बनके। तो दूसरी तरफ से हमें सिर्फ इस तरीके से ही सेक लेना है। तो आपको ये आसान तरीका लगा मेरा अगर नाश्ता बनाने का, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।